तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। ये कहते हैं ये एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस वी गो अप एंड डाउन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। देखो ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर ओ है यहाँ पे, और अर्थ की एक रेडियस है ये आर है, और यहाँ से अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो उसके वेट में चेंजिंग आती है, और वो जो वेट है वो डिक्रीज होता है। चाहे आप ऊपर जाओगे तो इसकी जो वेट है वो कम होती है, मतलब जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। आप थ्योरी पढ़े हो, नीचे आएगा तभी भी यहाँ से जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। समझ रहे हो ना, सरफेस से बात हो रही है। तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा भी पढ़ाई किए हो तो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम एयर हाइट एच एंड डेप्थ डी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज एच अपॉन एच इज इक्वल टू डी। अर्थ के सरफेस से देखो एच हाइट तक ऊपर जाओ तो क्या जी की वैल्यू सेम होती है, और डी डेप्थ नीचे जाओ। अगर मान लो ठीक है, मतलब 100 किलोमीटर ऊपर गए मान लो, चलो तो 100 किलोमीटर नीचे जाओ तो क्या जी की वैल्यू सेम मिलती क्या? नहीं जी, बिल्कुल गलत बात। जी की वैल्यू जो है वो 100 किलोमीटर जी की वैल्यू जो है एच हाइट की वजह से जी 1 माइनस 2 h अपॉन r इज इक्वल टू जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस d अपॉन h। तो यहाँ से जी ने जी को काट दिया, वन ने वन को काट दिया, माइनस ने माइनस को, आर ने आर को, तो ए इज इक्वल टू h की वैल्यू 2 h d, मतलब d डेप्थ अगर नीचे जाओगे ठीक है तो जी d डेप्थ इज इक्वल टू 2 टाइम h। मतलब अगर ऊपर थोड़ा सा 20 मीटर ऊपर गए हो ठीक है, h इज इक्वल टू 20 मीटर है, तो नीचे तुम्हें 40 मीटर जाना पड़ेगा तब जी की वैल्यू सेम मिलेगी। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। तो ये भी बिल्कुल थियोरिटिकल क्वेश्चन था, और इसको सब, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट। इसमें फर्स्ट मतलब थर्ड ऑप्शन सही है, बाकी ये सारे गलत हैं।